नमस्ते प्रणाम बंदन। देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको जनपद बहराइच के नगर पंचायत जरवल छत्रसाल नगर से हम आपको लाइव दे रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कई वर्षों से निरंतर जो कैलाश नाथ सोनी है यहाँ के, वो निरंतर जो है महादेवा जलाभिषेक के लिए यहाँ से जाते रहते हैं। वो मेरे साथ तस्वीरों में है। तो एक चीज पूछेंगे, अभी निकलेंगे यहाँ से। यहाँ ये हमारा 23वां साल कांवरिया का यात्रा है जी। 23 साल से आप निरंतर निरंतर जा रहे हैं। तो आज भी और यहाँ से निकलकर रोड पे जाएंगे मार्केट होते हुए जी। और इसके बाद फिर पुलिस चौकी से वहाँ वाहन द्वारा हम लोग सरजू जाएंगे, सरजू घाट जी। वहाँ से नहा धोकर स्नान करने के बाद में, पूजा अर्चना करने के बाद में, वहाँ से पैदल यात्रा बाबा लोधेश्वर धाम को जल चढ़ाना है, वहाँ पे अर्पित करना है। और आपके साथ होंगे लगभग टीम में? हाँ, टीम में तो लमसम अभी यात्रा में 2000 आदमी वहाँ पहुँचने की संभावना है जी। बाकी बहुत काफी लोग निकल भी चुके हैं, बाकी सभी लोग यहाँ में, वो साथ में जाएंगे। हाँ, वो साथ में जाएंगे। शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ, अंत काल में भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। बोल शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में उसके रहो। मित्रों साथियों, देखिए तस्वीरों में हम आपको लाए हैं जनपद बहराइच के जरवल छत्रसाल नगर में स्थापित पुलिस चौकी। और आज आप देख रहे हैं एसडीएम का वाहन, सीओ का वाहन भी यहां पहुंच चुका है। ये सीधे चौकी की तस्वीर। और आगे आप देखेंगे, इस वक्त देख रहे हैं अनिल कुमार सिंह जो पुलिस क्षेत्राधिकारी है कैसरगंज, उनके साथ कैसरगंज के एसडीएम पंकज दीक्षित जी की भी तस्वीर देख रहे हैं। बस कांवरियों का इंतजार किया जा रहा है, देख रहे हैं कांवरियों का नेतृत्व करते हुए जरवल रोड के थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रजराज प्रसाद तथा आप देख रहे हैं गीता यादव पुलिस उप निरीक्षक के साथ। आप देख रहे हैं तस्वीरों में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष सचिन गर्ग की तस्वीर को आप देख रहे हैं। और इस वक्त पुष्प वर्षा करने के लिए आप देख रहे हैं सीओ व एसडीएम ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी है। ये तस्वीरें हम आपको जरवल पुलिस चौकी से दे रहे हैं। आप देख रहे हैं एसडीएम ने फूल लेकर के पुष्प वर्षा कर दी और उनके साथ दे रहे हैं कैसरगंज के तेज तर्रार पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार सिंह की तस्वीर। देखिए देवनाथ सिंह भी मौजूद हैं जो पुलिस उप निरीक्षक हैं। आज जरवल कस्बा पुलिस चौकी के पास कांवरियों का जत्था जब निकलने लगा तो पुलिस टीम व राजस्व टीम के साथ पुष्प वर्षा करते हुए आप तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार इस वीडियो को आप लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। देवी पाटन मंडल का सबसे बड़ा चैनल NNI न्यूज, ये विशेष वीडियो आप देख रहे हैं। लगातार वीडियो को शेयर करेंगे व लाइक करेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये सभी तस्वीर। आपको बता दें जरवल छत्रसाल नगर में स्थापित बाबा खाकीदास से ये जत्था पहुंच रहा है। सरजू जाएगा, जल भरेगा। इस वक्त देख रहे हैं ब्रजराज प्रसाद हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष सचिन अग्रग से वार्ता कर रहे हैं। और ये सभी तस्वीरें जरवल पुलिस चौकी से हम आपको दे रहे हैं। सोशल मीडिया के चर्चित पत्रकार हेलीकॉप्टर से चलने वाले पंडित अशोक मिश्रा अन्ना भैया इसका विशेष लाइव कवरेज कर रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं टिप्पणी में लिखते जाइए हर हर महादेव। देख रहे ब्रजराज प्रसाद जो थाना प्रभारी निरीक्षक हैं वो भी पुष्प हाथों में लेकर के कांवरियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। काफी ईमानदार माने जाते हैं ब्रजराज प्रसाद थाना प्रभारी निरीक्षक, उनका साथ दे रही हैं महिला पुलिस उप निरीक्षक गीता यादव की तस्वीर। ये सभी तस्वीरें हम आपको जरवल पुलिस चौकी से दे रहे हैं। लगातार इस वीडियो को आप शेयर करते रहेंगे। और आज मुख्य रूप से एसडीएम व सीओ यहां पहुंचे, उन्होंने पुष्प वर्षा की और हर हर महादेव बम बम भोले का लोगों ने नारा लगाया। लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। हर हर महादेव।